हेलो एवरीवन, दिस इज विराज अगेन एंड नाउ वी विल बी लुकिंग इनटू नॉन मेटेलिक मिनरल्स ऑफ इंडिया। नॉन मेटेलिक मिनरल्स ऑफ इंडिया उतने इंपॉर्टेंट है जिसमें मेटेलिक मिनरल्स ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कहाँ पे रिजर्व सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा होता है, कौन से बेल्ट्स है जहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है, तो हम लोग वो सब देखेंगे ये पर्टिकुलर वीडियो में। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में हम लोग कौन कौन से मिनरल देखेंगे, माइका देखेंगे, लैमस्टोन देखेंगे, डोलोमाइट देखेंगे, जिप्सम देखेंगे और एस्बेस्टोस देखेंगे, ये पाँच देखेंगे, ठीक है। माइका के बारे में, हाँ, एटॉमिक मिनरल्स के बारे में अलग से वीडियो करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। माइका के बारे में अगर मैं बोलूँ तो तीन टाइप में मिलता है इंडिया में, मस्कोलाइट, फोगोफाइट एंड बायोटाइट। तो ये तीन टाइप में मिलेगा, मस्कोवाइट, फोगोफाइट एंड बायोटाइट। सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है माइका के इंडिया में मिलते हैं, आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी वहीं पर होता है, इनफैक्ट 95% प्रोडक्शन ऑफ माइका इन इंडिया हैपेंस इन आंध्र प्रदेश। उसके बाद राजस्थान है और उसके बाद झारखंड है। अगर हम लोग माइका का वर्ल्ड ट्रेड देखेंगे, माइका के जो ट्रेड होता है, तो 60% ऑफ माइका दैट इज़ एक्सपोर्टेड फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड, 60% ऑफ इट इज़ फ्रॉम इंडिया। ऑफ टॉप द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ माइका इन द वर्ल्ड, 60% ऑफ इट इज़ फ्रॉम इंडिया। माइका शीट्स बनाने में इंडिया का रैंक वन है, इंडिया सबसे ज़्यादा माइका शीट्स बनाता है दुनिया में। जो इंपॉर्टेंट बेल्ट्स हैं माइका प्रोड्यूसिंग बेल्ट से, उसमें नेल्लूर बेल्ट है आंध्र प्रदेश का, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बेल्ट है नेल्लूर बेल्ट आंध्र प्रदेश का। गया हजारीबाग बेल्ट ऑफ बिहार एंड झारखंड, ठीक है, दैट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट बेल्ट। गिरिडीह भागलपुर बेल्ट और एक इंपॉर्टेंट माइका प्रोड्यूसिंग बेल्ट है। रिचेस्ट डिपॉजिट ऑफ हाई क्वालिटी माइका आर फाउंड इन बिहार एंड झारखंड। देखो, आंध्र प्रदेश में मिलता है माइका क्वांटिटी वाइज सबसे ज़्यादा, क्वालिटी वाइज सबसे बेस्ट माइका मिलेगा बिहार और झारखंड माइका बेल्ट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा माइका एक्सपोर्ट इंडिया से होता है जापान के लिए, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, ऑब्वियसली कोलकाता और विशाखापट्टनम पोर्ट्स इसके लिए यूज़ होते हैं। लाइमस्टोन सबसे ज़्यादा हमें मिलता है गोंडवाना बेल्ट में। लाइमस्टोन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने लायक है डोलोमाइट। क्या डोलोमाइट? वो लाइमस्टोन है जिसमें 10% से ज़्यादा मैंगनीज है। अच्छा, अगर 45% से ज़्यादा मैंगनीज रहा तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ ट्रू फॉर्म ऑफ डोलोमाइट, ठीक है। डोलोमाइट जो है कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है? उड़ीसा में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, फिर छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। डोलोमाइट यूज़ कहाँ पे होता है ना? स्टील प्लांट्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, INN स्टील प्लांट्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डोलोमाइट। सॉरी, और एक चीज़, भीरा मैत्रपुर इज द मेजर डोलोमाइट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। क्या नाम है? भीरा मैत्रपुर का नाम याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डोलोमाइट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में। एस्बेस्टोस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एस्बेस्टोस जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है राजस्थान में। 94% ऑफ इंडियाज एस्बेस्टोस प्रोडक्शन हैपन्स इन राजस्थान। आंध्र प्रदेश सेकेंड नंबर पे है, कर्नाटका जो है वो थर्ड नंबर पे। फिर आते हैं जिप्सम पे। जिप्सम सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होता है? इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑफ एमोनिया सल्फेट विच इज़ यूज एज फर्टिलाइजर, एंड देन जिप्सम इज़ ऑल्सो यूज इन द सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। राजस्थान इज़ द मेन प्रोड्यूसर फॉलोड बाय जम्मू एंड कश्मीर। राजस्थान कितना प्रोड्यूस करता है जिप्सम इंडिया में? 99% ऑफ जिप्सम इन इंडिया इज़ प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान, ठीक है। तो इट वॉज अबाउट नॉन मेटेलिक मिनरल्स। आई होप, मैंगसाइट भी एक मिनरल है, मैंगसाइट के बारे में भी देख लेते हैं। मैग्नेसाइट एक मिनरल है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। मिनरल नॉन मेटेलिक मिनरल है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है, सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहाँ पे? सालेम में, ठीक है। तमिलनाडु के बाद उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा होता है, फिर कर्नाटक में। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, मुझे लगता नहीं है मैग्नेसाइट के बारे में पूछेंगे, बट बिकॉज इट वॉज समथिंग जो इसके बारे में मैंने नोट्स बनाया था तो आपको दे दिया। चाहो तो याद रखो, नहीं तो भूल जाओ। याद रखो यार, काहे भूलोगे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अभी हम लोग थोड़ी देर में, आई विल मेक अ वीडियो वंस अगेन एंड इन दैट वीडियो आई विल कवर एटॉमिक मिनरल्स। ऑलराइट, चलो बाय।